नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपका भाई आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा चैनल पीवीसी क्रिकेट पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 हो चुका है ख़त्म और अब हम सभी को इंतज़ार है ड्रीम इलेवन आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन का। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम की ओर से रिलीज होने वाले 7 बहुत बड़े प्लेयर्स का। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं 7वें प्लेयर जिनको राजस्थान रॉयल्स की टीम मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज करने वाली है, वो है दोस्तों रियान पराग। हालांकि रियान पराग का प्रदर्शन 2020 आईपीएल में ठीक ठाक था, पर जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेगा ऑक्शन से पहले एक टीम सिर्फ 3 प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकती है, तो इसी रूल्स के चलते रियान पराग भी इस साल रिलीज होंगे। छठा प्लेयर जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम से इस साल रिलीज होने वाला है, वो है रॉबिन उथप्पा। जी हाँ दोस्तों, रॉबिन उथप्पा को पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की टीम बड़े उम्मीद के साथ खरीद कर लाई थी, पर वो टीम की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाए। साथ ही साथ दोस्तों, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो इन्हीं दो कारण के चलते इस साल रॉबिन उथप्पा राजस्थान रॉयल्स की टीम की ओर से रिलीज होंगे। 5वें बड़े प्लेयर जिन्हें इस साल राजस्थान रॉयल्स की टीम रिलीज करने वाले है, वो है दोस्तों श्रेयस गोपाल। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस गोपाल का प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के लिए 2-3 सालों से बहुत ही बढ़िया है, पर फिर भी राजस्थान रॉयल्स की टीम उन्हें रिटेन नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े नाम अभी बाकी है। पर दोस्तों, एक बात तो तय है कि फिर से राजस्थान रॉयल्स की टीम उन्हें ऑक्शन में खरीदने की कोशिश करेगी। 4थे बड़े प्लेयर जिसे राजस्थान रॉयल्स की टीम इस साल रिलीज करने वाली है, वो है जयदेव उनाडकट। जी हाँ दोस्तों, जयदेव उनाडकट राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत बड़े और महंगे प्लेयर थे, पर महंगाई के हिसाब से वो प्रदर्शन में बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतर पाए, तो इसी के चलते राजस्थान रॉयल्स इस साल नए पेसर्स की ओर रुख करेगी और जयदेव उनाडकट को रिलीज कर देगी। तो अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर की। तो दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर जो कि इस साल रिलीज होने वाला है राजस्थान रॉयल्स की टीम से, वो है दोस्तों राहुल तेवतिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल तेवतिया इस साल राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बहुत बड़े मैच विनर के तौर पर उभरे थे, पर फिर भी दोस्तों राहुल तेवतिया को राजस्थान रॉयल्स की टीम रिटेन नहीं कर सकती क्योंकि मेगा ऑक्शन में एक टीम सिर्फ 3 प्लेयर को ही रिटेन कर सकती है। हालांकि दोस्तों, ये बात तो तय है कि राहुल तेवतिया को कुछ भी कर फिर से राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम में वापस लाएगी। और हमारे लिस्ट में दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं दोस्तों जॉस बटलर। जी हाँ दोस्तों, इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉस बटलर का प्रदर्शन ठीक ठाक था, पर दोस्तों एक टीम मेगा ऑक्शन से पहले 2 ही फॉरेन प्लेयर को रिटेन कर सकती है, तो इसी के चलते जॉस बटलर भी इस साल रिलीज हो जाएंगे। पर दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि जॉस बटलर के पीछे फिर से ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की टीम भागेगी, और ये भी हो सकता है कि बहुत महंगे ही सही, पर फिर से जॉस बटलर को राजस्थान रॉयल्स की टीम खरीद ले। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े प्लेयर जो कि इस साल राजस्थान रॉयल्स की ओर से रिलीज होने वाले हैं, वो है दोस्तों स्टीव स्मिथ। हालांकि स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन इस साल बैट के साथ तो ठीक ठाक था, पर एज ए कैप्टन वो उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए थे। साथ ही साथ दोस्तों, 2 ही फॉरेन प्लेयर को एक टीम रिटेन कर सकती है, तो इसी रूल्स के चलते इस साल स्टीव स्मिथ को भी बाहर करती राजस्थान रॉयल्स की टीम दिख रही है। पर दोस्तों, एक बात आपको बता दे कि स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर जैसे बड़े प्लेयर को राइट टू मैच कार्ड या फिर बहुत बड़े महंगे रकम देकर भी शायद राजस्थान रॉयल्स की टीम फिर से अपनी टीम में वापस ले ले। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे 7 प्लेयर जो कि इस साल राजस्थान रॉयल्स की ओर से रिलीज होंगे। तो आप कौन से प्लेयर को रिलीज होते हुए देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।